गांधी आप चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं? मैं मेवात के वार्ड नंबर 12 से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा हूँ। क्या तैयारियाँ हैं आपके चुनाव? मेरी तैयारी पिछले 6 महीने से घर घर जाकर गांव-गांव जाकर के मैं तैयारी कर रहा हूँ और बहुत जमीनी स्तर पे एक आम आदमी से मिलकर के मैं वोट मांग करके अपने चुनाव प्रचार। सलमान जी, जनता के बीच में अगर जनता ने मौका दिया तो कैसा विकास कराएंगे? जहाँ तक विकास की बात है, बहुत सारे नेता चुनाव क्षेत्र में आते हैं और बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं जिनका हरियाणा पंचायत राज से और उन विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं होता, जो उनके अंडर में भी नहीं आते, जो सब्जेक्ट और जो विषय उनके अंडर में नहीं आते, वो वादे बड़े बड़े वादे उनसे लोगों को बहला फुसला करके वोट हत्याने का काम करते हैं और उसके बाद वो 5 साल मैदान में नज़र नहीं आते, ज़मीनी तौर पर जो कार्य नहीं कराते। मैं सही मायने में मैंने 1994 का हरियाणा पंचायत राज एक्ट पढ़ा है, उसके अंडर में जो 29 सब्जेक्ट हैं, जो ज़मीनी स्तर के काम है और जो ज़मीन से जुड़े विकास कार्य हैं, चाहे बिजली पानी की बात है, चाहे गांव के छोटे मोटे रास्तों की बात है, चाहे बिजली और चाहे पेंशन की बात है, चाहे बीपीएल परिवारों की बात है, जो छोटे मोटे काम है, इंशाल्लाह मैं उन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता उन पर विश्वास करे। सलमान जी, वहीं पर जैसे पहले भी पार्षद जो रहे हैं वर्तमान में, उनने कितना विकास कराया? देखिए, ये मुझे आज बताने का मेरा समय नहीं है, ये तो जनता बताएगी जब वो लोगों के बीच में जाएंगे, जनता उनको इस चीज़ का जवाब देगी कि उन्होंने कितना काम कराया है, कितना नहीं कराया, क्योंकि वो दोबारा चुनाव मैदान में है। अगर उन्होंने ज़मीनी तौर पर अगर काम कराया होगा तो वो निश्चित तौर पर चुनाव को फाइट करेंगे, अगर नहीं कराया होगा तो जनता उनको जवाब देगी। मगर जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आज मैंने अपने 18 गाँवों में मैंने दौरा किया है, मैं घर घर गया हूँ, गाँव गया हूँ, कहीं भी मुझे उनके नाम की लगाई हुई ईंट नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं मिला और कोई उनका विकास से जुड़ा मुझे कोई काम नहीं मिला। डेमोक्रेटिक राइट है और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को अधिकार दिया है, किसी भी भारतीय नागरिक को, कि वो चुनाव लड़ सकता है, वो उसका अधिकार है। उनका चुनाव मैदान में स्वागत है और मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है। मगर जहाँ तक आज पूरे हिंदुस्तान में एक आम आदमी के मन में एक रोष है और गुस्सा है, जहाँ किसानों के साथ जिस तरह का जुल्म और अन्याय ये सरकार कर रही है, जहाँ सारे लोगों की दुआएँ और सारे लोगों का सहयोग किसानों के साथ है, उनका आशीर्वाद उनके साथ है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो अन्नदाता जो इस देश का पेट पालते हैं, वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां हम सब उनके साथ हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं, वहीं पर वो किसान नेत्री और किसान के भाजपा किसान नेता यहाँ नुह में आकर के किसानों का पुतला फूंकते हैं, किसान नेताओं का पुतला फूंकते हैं और उन्हीं किसानों के पास जा करके वे कुछ मुँह से वोट मांगेंगे, ये जनता उनको मैदान में जाने के बाद जवाब देती है। वहीं सुनने में ये भी आ रहा है कि मौजूदा विधायक मोहम्मद खान जी, वो भी अपने सुपुत्र को मैदान में ला रहे चुनाव मैदान में। अगर विधायक से बड़ा जिला परिषद का चुनाव होता है, अगर उनकी ये मनसा है कि जिला परिषद का चुनाव विधायक से बड़ा होता है और विधायक छोटा पद है, तो विधायक जी विधायक पद से इस्तीफा दे, हम उनको जिला परिषद निर्विरोध बनाएंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हो? युवा है और युवाओं का आपके अपने वार्ड में कितना समर्थन आपको मिल रहा है? मैंने 18 के 18 गाँव में मैं गया और जहाँ तक मेरी जो सबसे मजबूत रीढ़ की हड्डी है वो युवा है, और मैं एक युवा होने के नाते, जामिया मिल्लिया इस्लामिया का स्टूडेंट होने के नाते, मैं युवाओं की जो समस्याएं हैं, युवाओं के जो मुद्दे हैं, उनको मैं बखूबी समझता हूँ, क्योंकि आज हमारे युवा बहुत सारी बुराइयों में, बहुत सारी सामाजिक बुराइयों में और आपराधिक बुराइयों में लिप्त हैं, आपके सबके सामने हैं। क्योंकि किसी भी इलाके का, किसी भी क्षेत्र का उत्थान अगर किसी पर निर्भर करता है तो वो युवाओं पर निर्भर करता है। आज युवा हमारे सामाजिक बुराइयों में, आपराधिक बुराइयों में लिप्त हैं, उसके कहीं ना कहीं पीछे इन नेताओं का भी एक वो है कि उन्होंने, इस नेताओं ने उन युवाओं के लिए अवसर नहीं दिए, उनको आगे बढ़ने के लिए, उनके तरक्की के लिए। तो मैं युवाओं के जो मुद्दे हैं उनको बखूबी समझता हूँ, चाहे उनके स्पोर्ट्स से जोड़ने की बात है, चाहे उनको अच्छी चीज़ों से जोड़ने की बात है, चाहे उनको शिक्षा से जोड़ने की बात है, चाहे उनके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म उनकी तरक्की के लिए देने की बात है। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं युवाओं के लिए, उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए इंशाल्लाह मैं काम करूँगा। अपने वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि गोत्रपाल से उठ करके, भाई भतीजावाद से ऊपर उठ करके, क्षेत्रवाद से उठ करके, अपने आपसी लड़ाई और आपसी मतभेदों को भूल करके, इस जिस तरीके से पिछले एक दशक में मेवात के राजनीति में एक बदलाव है और परिवर्तन प्रकृति का एक अपरिवर्तनीय नियम है, बदलना चाहिए। पूरे देश में एक बदलाव की लहर है, जिस तरीके से युवाओं को मौका मिल रहा है, तो मैं अपने जनता, अपने वार्ड की जनता से अपील करता हूँ कि आप सब मुझे वोट दें और इंशाल्लाह सारी चीज़ों से और जो छोटी मोटी बातें हैं, क्षेत्रवाद से, गोत्रपाल से और आपसी मतभेदों को भूल करके आप लोग विकास के लिए वोट करें, बेहतर मुस्तकबिल के लिए वोट करें, अच्छी शिक्षा के लिए वोट करें, अच्छे रास्ते, बिजली पानी, बीपीएल पेंशन, उन सब के लिए वो वोट करें। और इंशाल्लाह मैं उनको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया और आप लोगों ने मेरा सहयोग किया, तो इंशाल्लाह मैं आपको किसी तरीके से निराश होने वाली नहीं।